ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दूर से इसका एक नज़ारा दिखा रहा हूँ मंदिर का। प्राचीन शिव मंदिर कैथा रामगढ़, अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं और आपको सारा चीज़ अंदर जाके दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं 350 साल पुराना शिव मंदिर कैथा, इस जगह का नाम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना, 350 साल पुराना एक मंदिर है। उस ज़माने में एक राजा था, उसने बनवाया था, वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो हम आपको अभी ऊपर ले जाकर दिखाएंगे, अंदर ले जाकर दिखाएंगे, और चलिए मिलते हैं हम आपको अंदर। दोस्तों, बाहर से भी आपको इसका एक नज़ारा दिखा देते हैं कि कैसा है ये बाहर से इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए दोस्तों, बाहर से इसका बनावट कुछ इस तरह से है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अंदर से भी इसका नज़ारा दिखाते हैं कैसा है ये, और हम अब एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी खूबसूरती, 350 साल पुराना मंदिर, और ये है इसकी सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ जा रही है। अभी हम आपको ऊपर की तरफ ले जाके दिखाएंगे, ऊपर में मंदिर है, और कैसे मंदिर है ये हम आपको अभी ऊपर ले जाके दिखाएंगे। और यह है यहाँ का कुआं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ऊपर की तरफ ले जाके दिखाते हैं कैसा है मंदिर का स्ट्रक्चर। और दोस्तों, मैं ये चीज़ गौर कर रहा हूँ कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी उस ज़माने की है, और इसकी जो स्टेप है काफ़ी ऊँची ऊँची स्टेप है। तो हम फाइनली हम मंदिर के पास पहुँच गए हैं, और यहाँ से इसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम दिखाते हैं आपको इसे चारों तरफ से। ये देखिए इसकी बनावट उस ज़माने की, देखिए पूरी तरह से ये जंजर हो चुका है, और इसे तभी देख रेख में रखा गया है। और ये आगे में मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यही है शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर कैथा रामगढ़, जो काफ़ी प्रचलित है यहाँ पे रामगढ़ में। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए शिव जी का। जैसे हमने आप लोगों को शिव जी का दर्शन कराया है, तो प्लीज़ वीडियो का लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको नीचे ले जाते हैं गुफा की ओर। दोस्तों, जैसे मैंने भी कहीं से सुना था कि यहाँ सुना पे, नहीं है, तुम बोल रहा है। नहीं, मैंने भी कहीं से सुना था, मार्टिन सर मेरे सर के ऊपर ढाल रहे हैं। यही है क्या वो सुरंग? चलिए देखते हैं यही वो सुरंग अंदर में क्या है, जो 3 किलोमीटर की ओर जाता है। अब पता नहीं 3 किलोमीटर बचा है कि 1 किलोमीटर रह गया है, और ये पता नहीं क्या है, काफी अंधेरा लग रहा है। ये छोटी सी चमत्कारी जगह है। चलो ये चारों तरफ अंधेरे अंदर छाया हुआ। अरे फ्लैश जला ले, फ्लैश जला, फ्लैश जला। यहाँ पे एक मंदिर जैसे दिख रही है, लेकिन पता नहीं क्या है। फ्लैश अंदर नहीं जा सकते। थोड़ा इसको थोड़ा फ्लैश जला के अच्छे से दिखा ना अंदर तक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहीं पे चढ़ा देता, मैं डर रहा होगा ना लोग चढ़ने के लिए। तो क्या इसका हिस्ट्री है? अच्छा, ये यहाँ पे कुछ है नहीं, बस एक छोटा सा रूम जैसा है, और यहाँ पर भगवान की मूर्ति सब रखी हुई है। तो चलिए हम लेफ्ट राइट जाके देखते हैं। देखिए इस रास्ते में भी है, तो यहीं जाके हम देखते हैं क्या है। हाँ, ये देखिए। अच्छा, मतलब इसका कुछ तो हिस्ट्री होगा ना, मतलब अंधेरा होने की वजह से लोग कहीं भी चढ़ा दे रहे होंगे। देखो यहाँ पर कुछ भी, कहीं भी भगवान का मंदिर, ये क्या बोलते हैं, सिंदूर नाग देवता का हुआ, सिंदूर में चढ़ा दे रहे। अरे भाई हाँ, गुफा पर सुरंग भी है लग रहा ऊपर। ओह माय गॉड, ये देखिए दोस्तों। थोड़ा तो अंधेरा है ना, दिख रहा है। ये देखिए चमगादड़, ये देखिए, इसीलिए यहाँ जो टट्टी गिरा है ना, ये हाँ उसी है, चमगादड़ का टट्टी। हाँ, तब्बू माता। इधर से देख,
अच्छा ये तो वही है अभी जो हम लोग देखे हैं। हाँ आ रहा है, आ रहा नहीं यही था अभी तो देख के इधर गए। अभी हम यहाँ के पंडित जी से यहाँ के बारे में पूछने चलते हैं। चलिए राजा दलेर सिंह, राजा दलेर सिंह ना। हाँ हाँ ये सही बोले पंडित जी। कब बना था ये आपका? बोलते हैं 350 साल पुराना हो गया। करीब हमको हजार बरस, हजार बरस हो गया। इतिहास आज तक कोई नहीं पता नहीं। अच्छा और यहाँ पे सुने हैं कि एक सुरंग भी था। सुरंग है, है? अभी हम लोग देख सकते हैं क्या? हम दब भर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें हम लोग घुसे ना शायद वही था सुरंग। वही है हाँ, फर्स्ट में। हाँ फर्स्ट में जो है ना इधर नाग देवता का जो है भंडार खोला। वो जो बीच में जो भरा गया है वो मिट्टी है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें तो वही था सुरंग। वही सुरंग था। तो उसको मतलब क्या भरा गया कि आप लोग? नहीं नहीं, वो अपने आप भरा, अपने आप समय समय के हिसाब से वो अपने आप चलेगा। मिट्टी का था ना। वहाँ से राजा के परिवार लोग आते थे पूजा करने के लिए अंदर से ना। इसका हिस्ट्री थोड़ा पढ़ा नहीं सिक्योरिटी। हाँ सुरंग देखिए, तालाब से पूरा सुरंग था और इसका अंदर अंदर जो है बहुत मंदिर है, देखे होंगे प्राचीन, तो उसमें पूरा अंदर अंदर ही सुरंग था पूरा। अच्छा, राजा किला कहाँ था? राजा का किला वहाँ आपका हजारीबाग, पद्मा किला देखने लग जगह थे। पद्मा देखने लग जगह। वहाँ से वो ट्रैवल करके सुरंग से आते थे। भंडार अब कितने जगह सुरंग होंगे से कहना मुश्किल। हाँ पहले के टाइम पे तो यही नीचे ही तो चलता था, ऊपर कहाँ से होता था। चलिए अब हम यहाँ के जो दूसरे पंडित जी हैं उनसे बात करते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम पंडित जी के पास। साक्षात शिव जी का कार्य ये मंदिर और मनोकामना भोलेनाथ है, वही मन का कामना पूरा हो जाता है, पूरा होता है। ठीक है, इसे किस राजा ने बनवाया था उस जमाने में 350 साल पहले? ये तो राजा का युग का है, लेकिन एक रात का बना हुआ मंदिर, एक रात का बना। हाँ देखा जाए तो स्वयं विश्वकर्मा जी बनाए। हाँ उनका राज था तो उन्हीं का नाम हुआ ना। मंदिर क्या बोला जाता है गुरु जी? ये प्राचीन शिव मंदिर कहता है, प्राचीन शिव मंदिर कहता है। और यहाँ बाबा का भोग चढ़ता है, जो भी कामना पूर्ण होता है। सुने हैं कि यहाँ का जो नहीं कुछ और लिखा, यहाँ का जो राजा था वही बनवाया था मंदिर को, जो उस राजा था। राजा का नाम पता है क्या आपको? राजा है वही पद्मा राजा, पद्मा किला और जगह पद्मा तो। चलिए हम आपको इसके चारों तरफ से भी इसको नजारा दिखाते हैं आपको कि कैसी है इसकी बनावट। ये देखिए इसकी बनावट उस जमाने में। और ये आप छोटी छोटी गुंबद नुमा जैसे देख रहे हैं, ये भी मंदिर ही होगी उस जमाने में। यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई होंगी जो अब नहीं है। और इसकी स्थिति देखिए दोस्तों, काफ़ी दयनीय हो गई है, कितनी चारों तरफ से टूट फूट गई है। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जो इसकी ईंटें हैं वो काफ़ी इस ज़माने से, अभी के ज़माने से कितनी अलग थी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ये कोई सीमेंट नहीं है, ये उस ज़माने में पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था काफ़ी मजबूत था, जिसकी वजह से आज भी हम इतने साल बाद भी इसे हम देख पा रहे हैं, तो बहुत हमें अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन जो इसकी स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो चुकी है, सरकार को इसकी और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप चारों तरफ से ये दरार पड़ चुकी है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर लोग आते रहते हैं, तो सरकार को इसकी और ध्यान देना चाहिए। दोस्तों हमने आप लोगों को जितना दिखा सकता था सारा दिखा दिया। ये 350 साल पुराना मंदिर है, कुछ अंश आज ही बचा हुआ है और सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो बस दोस्तों यही था यहाँ के लिए, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से हम यहाँ निकले हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे भी आप लोगों को एक से एक
नया नया जगह के बारे में पता चलता रहेगा। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और पंडित जी ने बताया है कि यहाँ के यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे वीडियो को ऐसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बस ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों बाय, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।